फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यार, हमारी एक 2010 मॉडल के अंदर ट्रांसमिशन ऑयल निकल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, तो हमने सोचा इसका वीडियो बनाना चाहिए, आप सभी को बताना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है, ये ऑयल क्यों निकल रहा है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, वीडियो कम्प्लीट पूरा जरूर देखना, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के थ्रू। कई सारे बंदों के पास ऐसी पुरानी मशीनें हैं, तो देखते हैं। वैसे इसमें पुराना और नया कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें आगे बताने वाला हूँ, वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि ये जो ऑयल निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, तो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसका मतलब ऑयल निकल रहा है मशीन का, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। अपना जो सिस्टम है, ये जैसे अपना ट्रांसमिशन है, इसका जो जो एक शाफ्ट होती है वो इंजन की तरफ में आती है, इंजन के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो शाफ्ट होती है यहाँ पर, वो शाफ्ट की जो सील लगती है वहाँ पर बेरिंग लगता है अंदर की साइड, और एक सील लगती है, तो वो सील कटने के कारण मशीन में जो है यहाँ पर ऑयल आ रहा है। और ऑयल आने का कारण ये कि यार गाइस, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ रहा है, तो मतलब सील का ऐसा हुआ कि एकदम से अचानक सील ज़्यादा कट चुकी है, जैसे कई बार कम कटती है सीलें यहाँ से, जैसे यहाँ पर देख सकते हो हल्का हल्का सा यहाँ पर लीक कर रहा है, तो इस तरह से हल्का हल्का लीक करता है पहले, लेकिन उस मशीन के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अब उसे चेंज करवाना ही पड़ेगा सील को, ठीक है। तो मशीन चलते ही रुक गई, मतलब चलते चलते मतलब मशीन को रोकना पड़ा, ऑपरेटर को पता चल गया था कि इसकी सील कट गई है और इसको अब बंद करना पड़ेगा, तो ऑपरेटर ने बंद कर दी और मशीन को फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन उतारना ही पड़ेगा। अब ट्रांसमिशन उतरेगा उसके बाद, और फिर वो सील चेंज होगी, तो सीलें मतलब यहाँ पर सीलें आती है, क्योंकि ये जॉइंट होता है यहाँ पर सीलें आती है, तो इसके अंदर से वो सील कट गई, इसी वजह से यहाँ से ऑयल आ रहा है। अगर आपकी मशीनों में अगर यहाँ से कहीं से ऑयल लीक करता है, तो ये समझ लेना आपकी आपका ये जो ट्रांसमिशन का ये सील कट चुका है, ट्रांसमिशन ऑयल बाहर निकल रहा है। अगर इंजन की तरफ से इंजन ऑयल आता है, तो आप ये समझ लेना कि इंजन की कोई सील कट गई है अंदर से, इसीलिए यहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, उस मशीन में फाउंडेशन को मतलब खोल के ये ट्रांसमिशन पूरा नीचे आएगा, और फिर मैं उसके बाद ये पूरा ये खुलेगा और इसका सील लगेगा, यहाँ से सील आता है इसके अंदर, तो वो बाद में यहाँ से सील लगेगा, इसके अंदर एक शाफ्ट आती है, वो शाफ्ट की सील डलेगी इसके अंदर। गाइस, ट्रांसमिशन के अंदर यहाँ पर एक सील लगी हुई होती है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ अभी, और कभी कभार ऑयल यहाँ से भी लीक करने लगता है, यहाँ की पैकिंग कट जाती है, तो बाद में ये लीक करने लगता है, लेकिन हालांकि यहाँ से बहुत कम चांस है, और एक चांस है सबसे ज़्यादा यहाँ से ऑयल निकलने का, सबसे ज़्यादा यही है लफड़ा, सभी मशीनों के होता ही है, यहाँ पर ऑयल लीक होता ही होता है।